आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट में बेक वेज। तो एक प्लेट बेक वेज बनाएंगे आज हम। बेक वेज खाने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक प्लेट बेक वेज बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक नॉन स्टिक फ्राई पैन को लिया है और इसके अंदर कम से कम हमें 50 ग्राम फ्रेश अमूल बटर को ऐड करना है। इसके बाद एक टेबल स्पून करीबन मैदा को ऐड करेंगे। अब हमें बटर के अंदर मैदा को भूनना है। 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे लो फ्लेम पर। फिर हमें 2 कप दूध को ऐड करेंगे और लगातार चम्मच को चलाते रहेंगे ताकि दूध फटे नहीं। दूध उबलने के बाद एक बाउल करीबन यहाँ पर वेजिटेबल को ऐड करेंगे, जिसमें हमने लौकी, गाजर, हरे मटर को उबाल करके ऐड कर दिया है। फिर हमें 1/2 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर को ऐड करेंगे। थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक को ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून करीबन शक्कर को ऐड करेंगे। अब हमें इन सभी को मिला लेंगे। 1 से 2 टेबल स्पून फ्रेश अमूल क्रीम को ऐड करेंगे। तो रेस्टोरेंट से रिलेटेड डिश की वीडियो की अपडेट पाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लाल कलर बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह वीडियोस में अपलोड करता रहता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत ही आप तक पहुंच जाएगी। अगर आप हमारे चैनल की और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर आप क्लिक करके हमारे चैनल की बाकी की वीडियोस को देख सकते हैं। अब हमें फ्राई पैन से अलग कर लेंगे, यानी कि डिश के अंदर ऐड कर देंगे और ऊपर से हमें चीज़ को ग्रेटर करना है। तो यहाँ पर खूब सारी चीज़ को घिस लेंगे। तो यहाँ पर हमने ओवन को पहले से ही चालू कर दिया था, तो ओवन में हमें इस डिश को रख लेंगे और यहाँ पर रोस्ट करना है। अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है, तो अब आप देख सकते हैं कि बेक वेज बनकर तैयार है सर्व के लिए। तो इसी प्रकार से आप अपने घर पर भी बेक वेज बना सकते हैं रेस्टोरेंट जैसा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।